साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पशुधन प्रसार अधिकारी के 500 प्रश्नों की सीरीज के, शायद पार्ट नंबर 7 ये होगा, आप चेक कर उसमें डिस्कस करेंगे। आज बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। आज भले ही आज कम कुछ शायद 20 क्वेश्चन आज रखे गए हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में, वेटनरी के एग्जाम में पूछे ही गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही ये सब मैंने लिए हैं, तो इनको आप ध्यान से देखें और इनको ध्यान से करें। तो साथियों, आप इसे कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां जो आप यूज़ करते हैं वो उससे आप जुड़ें और इसको डाउनलोड करें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले अगर उसके सिलेबस को समझ लिया जाए, उसके एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लिया जाए, तो उस एग्ज़ाम को पास करना हजारों गुना आसान हो जाता है। लेकिन शर्त होती है कि हमें उस एग्ज़ाम के पैटर्न को, उस एग्ज़ाम के सिलेबस को, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना मुद्दा ये रहता है, हमें पढ़ना क्या है वो मुद्दा है। साथियों, जिस तरह से इसमें बोला गया है पशुधन प्रसार अधिकारी में कि 12th क्लास का सिलेबस आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि 12th क्लास का सिलेबस आएगा कि नहीं आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, फुल टू फुल मुझे विश्वास है कि इसमें जो पैटर्न रखा जाएगा, जो क्वेश्चन होंगे, वो कम से कम आपके ग्रेजुएशन लेवल के ही होंगे। क्योंकि मैंने जितने स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है, उत्तराखंड में जो 2-4 पेपर हुए वेटनरी के उनको एनालाइज़ किया है, तो मैंने ये पाया है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा हाई रखा गया है। 12th का लेवल नहीं, आपको ग्रेजुएशन के लेवल की तैयारी करनी होगी। बल्कि कई क्वेश्चन मैंने चेक किए हैं कि वो MSc के लेवल के भी हैं। तो साथियों, अपनी तैयारी उस हिसाब से रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घबराने की बात नहीं है। अदर स्टेट के में जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से भी आप क्वेश्चन उठाइए, क्योंकि पैटर्न कोई भी स्टेट हो वो हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन पेपर को बनाता है। आप यूपी के क्वेश्चन पेपर को देखिए, उत्तराखंड के मैक्सिमम पेपर वहीं से उठ के यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी दिक्कत आप मुझे कमेंट में जाके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच मिनरल्स कॉजेस पैरा कैरेटोसिस डिजीज इन पिग, यानी सुअर में पैरा कैरेटोसिस नामक डिजीज किस मिनरल की कमी से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो जिंक है, यानी कि जिंक की कमी से जो सुअर होता है उसमें पैरा केरोटोसिस नामक डिजीज़ होती है। सवाल उठता है पैरा केरोटोसिस होता क्या है। देखिए, पैरा केरोटोसिस डिजीज़ कैटल में, जानवरों में, हमारे पालतू जानवरों में होने वाली एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें इनके स्किन पे पैचेस, रेड कलर के पैचेस पड़ने लगते हैं, इनके स्किन पर डैंड्रफ पैदा हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। इसी कैटल की बीमारी को हम पैरा केरोटोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनमें से प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है। ठीक है, देखिए, जो ग्राम है, चना है, चना प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। बाकी ये जो और हैं, ये प्रोटीन के सोर्स, इनमें प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये अधिकतर विटामिन के सोर्स हैं, लेकिन जो ग्राम है, चना है, वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व, तो विटामिन बी ट्वेल्व का केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन बी ट्वेल्व का केमिकल नेम होता है साइनोकोल्बामिन विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है, जबकि रेटिनल विटामिन ए का केमिकल नेम है। किसका? विटामिन ए का। रेटिनल है, फॉर्मूला क्या होता है रेटिनल का? C20H30 और O, ये रेटिनल का केमिकल फॉर्मूला। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप इसे देख सकते हैं। थायमिन विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है, क्या फॉर्मूला होता है थायमिन का? C12H17N4 और OS, ये थायमिन का होता है। और पिरिडॉक्सिन
किस विटामिन का केमिकल नेम है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप सच में अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में जाके बताएंगे कि पाइरिडॉक्सिन किस विटामिन का केमिकल नेम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि टॉक्सिक कंटेंट प्रेजेंट इन सुबाबुल, सुबाबुल में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है, कौन सा विषैला एलिमेंट पाया जाता है। क्योंकि जो इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है मिमोसिन। क्या पाया जाता है? मिमोसिन पाया जाता है। देखिए सुबाबुल एक प्लांट होता है, एक पौधा है, एक ऐसा प्लांट होता है जो दलदली जगहों में पानी की जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे भी उग जाता है, और एक बार अगर ये उग गया तो साल भर ये हरा रहता है, ठीक है। और इस प्लांट का अधिकतर यूज़ होता है फ्यूल बनाने में, इसका मैक्सिमम यूज़ होता है, ठीक है। और यह कम पानी में भी उग जाता है। तो इसमें जो टॉक्सिक, जो विषैला पदार्थ मौजूद रहता है वो मिमोसिन रहता है। तो सुबाबुल एक तरह का प्लांट है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कैटल, भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थ, जो शुष्क उनका चारा होता है उसमें शुष्क पदार्थ की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। इंडियन कैटल के लिए जो ड्राई मैटर है, जो ड्राई फूड है, जो उनका चारा है ड्राई चारा, उसकी जो क्वांटिटी है वो 2.0 से लेके 2.5 केजी पर 100 केजी के आसपास होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, 2.0 भी दे रखा है तो 2.5 भी दे रखा है, तो यहाँ पे ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब एग्ज़ाम में डिपेंड करता है कि अगर 2.0 दे रखा है तो आप उस पर टिक करके आ जाएं, अगर 2.5 दे रखा है तो आप इस पर टिक करके आ जाएं। तो इसमें से ये दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इंडियन कैटल का जो ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट होता है वो 2.0 से लेके 2.5 केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ यूरिया इन वीट स्ट्रॉ ट्रीटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गेहूँ के भूसे को स्ट्रॉ बोलते हैं, भूसे को ट्रीटमेंट करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने परसेंट की आवश्यकता होती है। तो यूरिया की जो रिक्वायरमेंट होती है गेहूं के भूसे को वो होती है करीब करीब 4%। कितने परसेंट? करीब करीब 4% की आवश्यकता होती है। कई लोग 1% बोलते हैं लेकिन 1% नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 4% के आसपास होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि विच इज़ द फैट सॉल्युबल विटामिन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो सबको पता है, मैंने आपको बताया था कि विटामिन दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक को हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल, एक को हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और फैट सॉल्युबल में आते हैं कौन से, विटामिन ए डी ई और के। ए डी ई के फैट सॉल्युबल हैं, बी सी कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल। यहाँ पे कौन सा पूछा है, फैट सॉल्युबल। तो कौन सा है फैट सॉल्युबल, इसमें से देखिए इसमें से फैट सॉल्युबल सिर्फ ए है। कौन सा है? विटामिन ए फैट सॉल्युबल होता है, जबकि ये तीनों विटामिन किसमें कौन से सॉल्युबल हैं, ये तीनों के तीनों वाटर के सॉल्युबल हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन बी 12 और विटामिन B6 का आप मुझे कमेंट में जाकर बताएंगे कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो विटामिन B6 मुझसे नहीं अपनी पढ़ाई से, ओके, मुझसे नहीं अपनी पढ़ाई से। विटामिन B6 और विटामिन B12 का केमिकल नेम और इनसे होने वाली डिजीज़ का नाम आप मुझे कमेंट में जाकर बिल्कुल स्टेप बिल्कुल विस्तृत रूप से बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट कि द कॉपर कलर स्किन इज फाउंड इन विच ब्रीड ऑफ बफेलो, भैंस की किस प्रजाति में जो उनकी स्किन का रंग है वो कॉपर यानी तांबे के जैसा हो जाता है, कौन सी प्रजाति होती है। तो देखिए पहली बात तो ये सभी की सभी जो है भैंस की प्रजातियां हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें आप जरा देखें जरा, जो ऑप्शन नंबर सी है कौन सा, भदावरी। भैंस की भदावरी वैरायटी में, प्रजाति में जो उनकी स्किन का कलर है वो
कॉपर तांबे के जैसा हो जाता है। ये प्रजाति अधिकतर भारत के यूपी में, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मिलती है, और इस प्रजाति के भैंस की जो स्किन की कलर है वो कॉपर के जैसा हो जाती है। मुर्रा भी एक भैंस होती है, ठीक है, भैंस की कैटेगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट इस, बकरी का गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल कितने टाइम का होता है। देखिए जो बहुत ही आसान है कि बकरी का जो गेस्टेशन पीरियड है वो 155 डेज 155 डेज के आसपास होता है। कितना होता है मेरे साथ बोलिए, कितना होता है? 155 डेज होता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में जाके बताएंगे कि ह्यूमन के लिए गेस्टेशन पीरियड यानी ह्यूमन का गर्भकाल कितना होता है वो आप मुझे बताएंगे, और काऊ के लिए, गाय के लिए गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, ये आप मुझे कमेंट में जाके बिल्कुल डिटेल से बताएंगे, ठीक है। शॉर्ट में नहीं, क्वेश्चन नंबर डाल के, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपने करेक्ट आंसर दिया कि नहीं, क्वेश्चन नंबर डाल के तब आप लिखेंगे। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप सच में, देखिए आप जितना ज़्यादा लिखेंगे मेरे उसमें कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, आप जितना ज़्यादा लिखेंगे चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा याद होती जाएंगी, और जितना ज़्यादा आपको चीज़ें याद होंगी वही मेरा, मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेस हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा अच्छे से पढ़े, ताकि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो छूटने नहीं चाहिए। कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आसान क्वेश्चन हम छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको आए तो वो छूटना नहीं चाहिए, ओके। तो ये आप मुझे कमेंट में जाके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ मैटिंग इन शीप इज कॉल्ड, भेड़ में मैटिंग की क्रिया कहलाती है। मैटिंग बोलते हैं जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, उसको रिप्रोडक्शन के लिए उसको मैटिंग कहा जाता है टेक्निकल टर्म में। तो शीप में इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो भेड़ में इस प्रोसेस को टपिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टपिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट ऑफ पिग इज नोन एज, पिग यानी कि सुअर के मांस को क्या बोलते हैं, तो सुअर के मांस को हम क्या बोलते हैं, पॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉर्क बोलते हैं। एक और क्वेश्चन सुनिए अपने लिए, आप मुझे कमेंट में जाके बताइए अभी कि सुअर के मांस में यानी पॉर्क में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है, और अलग अलग स्टेट में जो एग्ज़ाम हुए हैं एनिमल हस्बेंड्री के, उन क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है। आप मुझे कमेंट में जाके बताएंगे कि पॉर्क में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर डाल के आप आंसर देंगे। कई लोग ऐसे हवा में मुंह उठा के कर देते हैं, सर ये मुझे क्या पता चलेगा आप कौन से आंसर का क्वेश्चन दे रहे हैं। रूल से दीजिए, सिर्फ मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही होगा, पॉर्क जो है पिग के मीट को बोलते हैं, बीफ गाय और भैंस के मीट को कहा जाता है, मटन जनरली आपको पता ही, मैंने कई बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल यानी NRCC कहाँ स्थित है, तो है बीकानेर राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल स्थित है, ठीक है। कौन है? NRCC। यहाँ पे कैमल यानी ऊंट से संबंधित जितनी भी रिसर्च होती हैं, जितनी भी वेराइटीज़ हैं, सब यहीं पे होती हैं राजस्थान में, ठीक है। आप मुझे कमेंट में जाके बताएंगे कि राजस्थान के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, या आप मुझे, जीके का क्वेश्चन है, देखते हैं आपका जीके कितना स्ट्रांग है कितना नहीं, ठीक है। तो राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है वो आप मुझे कमेंट में जाके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फार्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट, यानी डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जब हमेशा याद रखें कि फारेनहाइट की वैल्यू स्केल में डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होती है, एक बात ये। अब ज़्यादा होती है तो ज़्यादा के लिए हमेशा प्लस किया जाता है। यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे तो माइनस है तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी माइनस है तो यहाँ भी हो नहीं सकता।
अब प्लस किस किस में है? प्लस तो एक तो पहले में है और एक किस में है, लास्ट में है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाता है, एक तो प्लस रखना है, एक तो प्लस 32 आता है और 9/7 नहीं आता, क्या आता है? 9/5। बाकी सब सेम है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, 3/5 × 9+35। आपको याद रखना है कि प्लस करना है और 9/5 को ध्यान रखना है बस, ठीक है। जबकि आप मुझे कमेंट में जाके बताएंगे कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। केल्विन में सेल्सियस डिग्री नहीं लगता, ठीक है। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, कितने से इंटू मल्टीप्लाई गुणा भाग जो है, आप मुझे बताएंगे क्या करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिवाल इज ब्रीड ऑफ विच एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग। साहिवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल होती है? तो साहिवाल जो है वो किसकी नस्ल होती है, वो होती है गाय की। गाय की बहुत ही फेमस नस्ल है साहिवाल, ठीक है, जो अपने दूध देने के लिए बहुत ही फेमस है। अधिकतर ये हरियाणा और पंजाब के एरिया में मिलती है। तो साहिवाल जो है गाय की नस्ल है। और शायद नहीं, अभी तो बतेरे क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ पोल्ट्री। मुर्गी का सामान्य तापमान फारेनहाइट में पूछ रहा है, याद रखें फारेनहाइट में कितना होता है, मुर्गी का सामान्य तापमान फारेनहाइट में कितना होता है। तो मुर्गी का सामान्य तापमान फारेनहाइट में होता है कितना, 107 डिग्री फारेनहाइट। कितना? 107 डिग्री फारेनहाइट होता है। अब सेल्सियस में पूछे तो आप क्या बताएंगे, वो आप ही मुझे कमेंट में जाके बताएंगे आप कैसे करेंगे इसको सेल्सियस में। देखिए कुछ नहीं करना, अभी हमने नीचे पढ़ा था कि फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलना है। देखिए यहाँ पे मुर्गी का फारेनहाइट में तापमान कितना रहता है, 107 डिग्री फारेनहाइट। अगर आपसे वो सेल्सियस में पूछता तो ये देखिए यहाँ से करेंगे आप। सेल्सियस में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर इस फॉर्मूले में फारेनहाइट की जगह 107 लिखना है, इज इक्वल टू सी की हमें सेल्सियस में पता करना है, 5 × 9+32। ये कैलकुलेशन करके आप मुझे कमेंट में जाके बताएंगे कि सेल्सियस में पोल्ट्री यानी मुर्गी का टेम्परेचर कितना होता है। इतना तो आप कर ही सकते हैं यार, कम से कम करेंगे ना, अरे करेंगे ना। चलिए फिर गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद यही है लास्ट का आज का, छोटा सा कमी क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे क्वेश्चन थे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2n+1 क्रोमोजोम नंबर इज नोन एज। देखिए 2n+1 क्रोमोजोम नंबर को ट्राइसोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं ट्राइसोमी? क्योंकि 2+1 3 होता है, 3 यानी कि ट्राइसोमी। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोजोम का नंबर है वो 47 हो जाता है, 46 से एक बढ़ जाता है। इसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम, ठीक है। जब क्रोमोजोम का नंबर 46 से 47 हो जाए उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, और जब क्रोमोजोम का नंबर 46 से 45 हो जाए तो उसको टर्नल सिंड्रोम बोलते हैं। तो टर्नल सिंड्रोम में क्रोमोजोम की संख्या एक कम हो जाती है, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोजोम की संख्या एक ज़्यादा हो जाती है। टर्नल सिंड्रोम को मोनोसोमिक बोलते हैं, ठीक है, जबकि डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमिक बोलते हैं। तो शायद आज के लिए बस इतना ही था, अच्छे क्वेश्चन आज के थे। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मैंने जो आपको होमवर्क दिया है, आप अगर सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और अगर आप सच में मेरी मेहनत को जो है थोड़ा सा भी इसको इससे सीख रहे हैं, तो आप मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है, और नहीं आता तो सर्च कीजिए, बुक्स में देखिए, कहीं भी देखिए, आप मुझे कमेंट में जाके बताएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑलवेज।